एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कॉर्नर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और मैं हूं दीपा। आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैंने अभी हेयर ऑयलिंग किया हुआ है, कोकोनट हेयर ऑयलिंग। तो मैंने 50 ग्राम ऑयल डाला है क्योंकि उसमें था नहीं, तो मैंने पाउच मंगाए थे, तो 50 ग्राम का पाउच ही मिला है मेरे गाँव में, तो उसको ही मैंने डाला हुआ है अपने बालों में। और इसके बाद मैं जो है कोई भी रिक्वेस्ट इस तरीके की कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बालों में तेल ठीक है पर इतना भी नहीं डाल सकते हैं कि रोज 100 ग्राम या 50 ग्राम या 200 ग्राम इतना ऑयल में नहीं डाल सकती हूँ बालों में। एक तो बालों के लिए इतना ऑयल अच्छा नहीं होता है बरसात के सीज़न में, और दूसरा फिर इतना नहीं डाल सकती हूँ मैं, ठीक है। तो और अपनी बेटी के बालों में तो बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि उसने सख्त मना किया है कि मम्मा मैं अब इस तरीके की वीडियो में नहीं आप लोग आपके साथ आऊँगी। हाँ, कभी एक आध दो महीने में अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है तो ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो इस तरीके से मैं रोज़ बालों में ऑयल नहीं डाल सकती हूँ। एक तो ससुराल में हूँ तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं रोज़ बालों में ऑयल डाल के बैठ जाऊँ। सर ढकना होता है तो पूरी साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। इतना भी नहीं होता है कि तुरंत ऑयल डालूँ, तुरंत बालों को हेयर वॉश करने के लिए बैठ जाऊँ, तो इसके लिए सॉरी। और बस यही था मेरा आज का वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हेयर ऑयलिंग करना। और जैसा कि मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो उसने मना किया है कि मम्मा मैं नहीं आऊँगी, जैसे मैं बता चुकी हूँ। तो कभी अगर हुआ तो मैं मना के कर दूँगी, पर ऐसा नहीं कि मैं मतलब आप लोग बोलिए अगर कि हर हफ्ते मैं उसके बालों में ऑयल डालूँ और वो करूँ, तो वो नहीं आ रही है ना, वो तैयार हो रही है। और बच्चों का होता भी है, वो अपनी मर्जी के होते हैं, मतलब इस तरीके से उनको फोर्स या ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, उनका मन नहीं मानना चाहिए, डांट टपट के फिर भी बिठा लें, तो मैं नहीं वो कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, फिर रही था मेरा आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अगर अभी तक इंस्टा पे आपने फॉलो नहीं किया तो जाके कर लीजिए फॉलो, दीपा पाठक के नाम से। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। What are you talking about?